हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी बेबी फूड रेसिपी लेके आए हैं। आई एम श्योर आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है और साथ में बहुत ही यमी है। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक देखिएगा कि ये रेसिपी हम कैसे बनाते हैं। चलिए फटाफट से ये रेसिपी बना लेते हैं। से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका मेन इंग्रेडिएंट यानी कि सूजी, ये हमने सूजी लिया हुआ है आधा कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा, या ये कहें कि ये चार बड़े चम्मच है। इक्वल क्वांटिटी में हमने दही लिया हुआ है, ये दही अच्छे से हमने फेंट लिया है। अब क्योंकि सूजी और पनीर चीला है तो पनीर तो जरूरी है, ये हमने लगभग 50 ग्राम पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। एक छोटा कैप्सिकम, उसको हमने एकदम बारीक काट लिया है। एकदम छोटी सी अनियन है, उसको भी बारीक काट लिया है। हमने सिर्फ यही दो वेजिटेबल्स लिए हैं, आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में हरी धनिया, लगभग आधा ग्लास पानी, एक छोटा चम्मच चाट मसाला और बहुत थोड़ा सा काली मिर्च, क्योंकि हमने इसमें चिलीज ऐड नहीं किए तो काली मिर्च डाल रहे हैं। साथ में सॉल्ट है टेस्ट के हिसाब से और थोड़ी सी देसी घी चाहिए होगी। चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बना लेते हैं। एक बड़े बोल में हम ऐड कर देंगे सूजी, साथ में कर्ड, सॉल्ट, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर। ये सब कुछ ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से इन सारी चीजों को मिक्स कर देना है। इसको मिक्स कर देने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और वापस से मिला लेते हैं। इसको अच्छे से फेंट लीजिए ताकि कोई भी लम्स ना रहे इसमें, और एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद सूजी काफी पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और वो काफी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कैप्सिकम, अनियंस, पनीर और साथ में हरी धनिया के पत्ते। ये सारी ही चीज डालने के बाद वापस से एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है और सारी चीजों को एक साथ मिला लेना है। अब हमारा ये चीले का बैटर एकदम रेडी हो गया है। अब इसको हमें लगभग 10 से 15 मिनट के लिए साइड रख देना है ताकि अच्छे से ये फूल जाए। 15 मिनट से हमने इसको छोड़ा हुआ था सोक होने के लिए, अब ये अच्छे से सोक हो चुका है। अब हमें इसमें ऐड करना है एक इंग्रेडिएंट जो टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना ऐड करें। हम एक चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा चीला बनेगा और वो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। तो आप ये चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इन केस आपको जरूरत होती है और पानी ऐड करने की तो आप और पानी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और वापस से मिक्स कर दीजिए। और अब ये रेडी हो गया है चीला बनाने के लिए। आइए हम चीले बना लेते हैं। सबसे पहले पैन को हमें हीट कर लेना है। पैन अच्छा हीट हो जाए तब इसमें हम देसी घी डाल देंगे। पैन अच्छा हीट हो गया है, अब इसमें हम बैटर पोर करेंगे। बैटर पोर करने के बाद इन चीलों को एकदम धीमी आंच पे हमें पकाना है ताकि अच्छे से सब तरफ से पक जाए। ये अब अच्छा एक साइड से पक गया है, अब टाइम है इसको पलट के दूसरी साइड से सेकने का। थोड़ा आराम हाथ से इसको देखिए कितना अच्छा से सेक गया है एक साइड से, क्योंकि हमने एकदम लो फ्लेम पे इसको सेका है। ये पनीर सूजी चीले बहुत ही डिलिशियस होते हैं और इतने क्विकली बन जाते हैं, जैसा कि आपने देखा बहुत डिलिशियस होते हैं। और आई एम श्योर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करके सबके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करे रहिए। एकदम झटपट से बनने वाला ये हेल्दी नाश्ता एकदम रेडी है। आइए इसको प्लेट कर लेते हैं। आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आया होगा तो इसको ट्राई करिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक्स शेयर करिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये बहुत ही क्विकली बनता है और हेल्दी बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं इसमें।